आचार्य प्रमोद किशन हमारे साथ में। आचार्य जी, आप अयोध्या आए हुए हैं और आपने एकदम क्रांति का बिगुल फूंक रखा है अयोध्या के राम मंदिर के पक्ष में। पार्टी आपकी नहीं मान रही है, अब आप क्या, आपके पास ऑप्शन क्या है? आप अभी भी कांग्रेस में हैं आचार्य जी, आप हृदय से कहीं और जा चुके हैं? देखिए, पहली बात, राम राजनीति का विषय नहीं है, राम श्रद्धा का विषय है, आस्था का विषय है, विश्वास का विषय है। दूसरी बात यह है कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह हो रहा है, इसके निमंत्रण को सबको स्वीकार करना चाहिए। जिसको निमंत्रण आए उसका सौभाग्य, और जो निमंत्रण आने के बाद उसको अस्वीकार कर दे उसको निश्चित रूप से, क्योंकि राम के बिना भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आचार्य प्रमोद किशन क्या यहाँ पर पार्टी की ओर से प्रायश्चित के लिए आए हैं क्या? देखिए, आचार्य प्रमोद किशनम अयोध्या जो आए हैं वो कांग्रेस नेता के रूप में नहीं आए हैं, राम भक्त के रूप में आए हैं। जहां तक रहा प्रायश्चित का सवाल, मैं तमाम विपक्ष के नेताओं से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, सरजू के तट से निवेदन करना चाहता हूं कि भगवान राम के मंदिर के निमंत्रण को अस्वीकार करने के फैसले पर पुनर्विचार करें। राम सबके हैं, सब राम के हैं। राम के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है, राम के बिना भारत की कल्पना नहीं। सलाह कांग्रेस को दे कौन रहा है, सलाहकार कौन है? आप तो जो बात कह रहे हैं वो पहुंच नहीं रही है, ये सलाहकार बीच में कौन प्रकट हो जा रहे हैं आचार्य प्रमोद किशन? एक सीरियल आता था जिसमें विक्रम बेताल की कहानी थी। विक्रम बेताल देखा है हमने। वो कुछ बेताल हैं, कभी कभी वो कंधे पे बैठ जाते हैं और वो गलत फैसले करा देते हैं, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है। तो आचार्य की जीवा पर इन बेतालों के नाम भी हैं क्या? मुझे पूरा यकीन है कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो महात्मा गांधी के रास्ते पे चलती है, जो महात्मा गांधी की हर सभा की शुरुआत होती थी, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो राजीव गांधी की पार्टी है, जिन्होंने राम मंदिर के ताले खुलवाने का काम किया, जिन्होंने राम मंदिर के शिलान्यास कराने का काम करा। तो वो कांग्रेस जो राजीव गांधी की कांग्रेस है, वो कांग्रेस जो महात्मा गांधी की कांग्रेस है, वो राम से विमुख कैसे हो सकती है? बेताल कौन है आचार्य जी? आप अपने हृदय की भावनाओं को प्रकट क्यों नहीं कर रहे हैं? कौन सी बाधा आपको रोक रही है मुखर होने से? मेरी माँ कहती थी कि अच्छी जगह पर शुभ कार्यों में राक्षसों का नाम नहीं लेना चाहिए। राक्षस भी है क्या पार्टी में? मैंने जो कहना था कह दिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।